हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, लाइफ ऑफ इंदरजीत चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है और मैं हूँ किचन में, दक्षु की वाटर बॉटल रेडी कर रही हूँ, साथ साथ में चाय बन रही है क्योंकि मम्मी पापा आए हुए हैं घर पे। उनके साथ ज़्यादा शूट कर नहीं पाती क्योंकि मेरा मन होता है कि बहुत कम टाइम के लिए वो आते हैं, तो मेरा मन होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ। एक दो दिन हो गए थे उन्हें आए हुए, मैं आज व्लॉग शूट कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो दक्षु आज नानू नानी के सामने स्कूल जाएगा रेडी होकर के, तो आज व्लॉग शूट कर लेती हूँ। एंड ये काफ़ी दिन पुराना व्लॉग है, आप सबको पता होगा कि अभी दिल्ली में समर वेकेशंस चल रहे हैं तो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं बच्चों के स्कूल्स की, तो ये एक्चुअली मई का व्लॉग है, मई में मैंने शूट किया था। तो काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जो कि वीडियो मेरी लेट हो जाती है पोस्ट होने में, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं बीच में, घर के काम बहुत ज़्यादा बिजी। जब से मैं इस वाले घर में आई हूँ, नए घर में आने के बाद, तो पता नहीं क्यों हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों इधर उधर से कोई ना कोई काम निकलता रहता है, मुझे खुद नहीं समझ आती कि मैं इतना बिज़ी कैसे हो गई हूँ। पहले फिर भी मेरे व्लॉग्स एक दो दिन डिले होके आते रहते थे, फिर भी मैं पोस्ट करती रहती थी, बट अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बीच में गैप पड़ जाता है। बस हर बार की तरह यही बोलूँगी कि कोशिश करूँगी कि टाइम शेड्यूल मेरा थोड़ा सेट हो जाए। बस अभी यहाँ पे दक्षु के पापा भी रेडी हो रहे हैं क्योंकि दक्षु को जाना है स्कूल छोड़ने के लिए, और दक्षु अभी सो रहा था तो उसके उठने से पहले ही मैं बाकी छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ, जैसे इसका लंच वगैरह पैक करना, बनाना, रेडी करना, वाटर बॉटल रेडी करनी, इसके कपड़े वगैरह जो इसकी यूनिफॉर्म होती है स्कूल की उसको आयरन करके रखना होता है। वैसे तो मैं एक दिन पहले नाइट में कर लेती हूँ, बट नहीं टाइम मिला मुझे तो मैंने सोचा कि चलो अभी कर लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था। सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मम्मी पापा के लिए चाय वगैरह भी बनानी थी। बस इसको रेडी करूँगी, इसके कपड़े वगैरह आयरन करके रखूँगी, फिर इसको उठाऊँगी, नहलाऊँगी, ब्रश करवाना होता है, उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ और फिर हम दोनों जाते हैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए। मम्मी पापा घर पे ही रहेंगे। वो देखिए पीछे मेरी मम्मा, वो भी नहा के निकले थे। वो सुबह सुबह एक्चुअली जल्दी नहा लेते हैं क्योंकि पाठ पूजा करनी होती है मम्मी पापा को, तो सुबह उठते ही सबसे पहले उनका काम होता है नहाने का। बस यहाँ पे दक्षु के पापा, बस जब मैं काम करती हूँ इनको इधर से उधर बीच में मंडराना होता है, इधर से उधर निकलते रहेंगे, मुझे परेशान करते रहते हैं। दक्षु दिख रहा होगा आपको, बेड पे पड़ा हुआ है, अभी सो रहा है, हल्की हल्की कच्ची नींद में था, फिर मैंने इसको उठाया नहीं। मैं इसको टाइम से ही उठाती हूँ, जब मतलब जितना टाइम रह जाता है इसको रेडी कर तैयार करके मतलब स्कूल भेजना होता है। खाता पीता ये कुछ भी नहीं, सिर्फ दूध पी के जाएगा, बहुत कम है, कभी एक दो बिस्किट खा लेता, अदरवाइज़ नहीं। तो इसका ना फ्रूट वगैरह मैं पैक कर देती हूँ और लंच जो इसको लंच टाइम में खाना होता है वो पैक कर देती हूँ। फिर ये जाते ही खा लेता है स्कूल में इसका फ्रूट ब्रेक के टाइम में, इसीलिए सुबह कुछ खा के नहीं जाता। चलिए बस अभी कपड़े वगैरह इसकी यूनिफॉर्म वगैरह आयरन करके अच्छे से प्रेस करके रख दूँगी, देन इसको उठाऊँगी, और बस इसी तरीके से दिन निकल जाता है। और अभी देखिए मेरी मम्मा भी उसको उठा रहे हैं कि बेटा उठ जाओ, हल्का सा इधर उधर हाथ पैर हिलाएगा फिर इसको होता है कि बस मेरे को सोने दो। सुबह सुबह की नींद यार होती इतनी प्यारी है, अब हमारा भी मन नहीं करता उठने का, जो बड़े हैं हमारा भी दिल नहीं करता उठने का, वो तो फिर भी छोटा बच्चा है, उसका तो क्या ही करेगा। और फिर मैं इसकी ना नींद फालतू में ख़राब नहीं करती, तो मुझे होता है कि चलो जितना ये सो सकता है सो ले, क्योंकि आजकल नानू नानी आए हुए हैं तो इसको रात को इतनी मस्ती चढ़ती है, रात को ये जल्दी सोता नहीं है, कभी बोलता है नानू के साथ सोऊंगा, कभी पापा के साथ, बस इसका यही चलता रहता है, रात को भी फिर ये लेट ही सोता है। तो चलिए गाइस, इसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब हो गई है आयरन, तो अभी मैं इसको उठाती हूँ और रेडी करती हूँ। दक्षु उठो बेबी, दक्षु उठो गुड्डू प्यारा बेटा, दक्ष
दक्ष दक्ष उठो उठो उठ जा। चलो रेडी हो, रेडी रेडी। देख नानू नानी के सामने आज रेडी होके जाओगे आप। उठो 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 क्यूटी क्यूटी। देख सुने नहीं नहीं कर ली भाई। अब नूनू ड्रेस पहन के नानू नानी को दिखाएगा यूनिफॉर्म पहन के, है ना भाई, है ना भाई बेटा। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, दिखा रहा फेस दिखाओ, जरा फेस दिखाओ। चलो ओए आओ अब नानू नानी को दिखाओ अपनी ड्रेस। आजो 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 अब वो सिलाई ना बाल करियो जैसे। आजो 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 नानी नानू को दिखाओ अपनी यूनिफॉर्म। जल्दी आओ बाहर स्मार्ट बॉय। आई 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 क्यूट बॉय मिया क्यूट बॉय, सोना सोना बच्चा। नहीं नहीं कर ओ बेल्ट खुल गई। नहीं नहीं बेल्ट ठीक है। सुबह सुबह उठ के दक्षु ने नाई नाई की, ब्रश किया दक्षु ने, नाई नाई भी की। ये कर दिया करने थे कल याद था, प्रेस भी बटन है ना। चलो अभी यहाँ पे भी मत्था टेक दो, दूर से हैंड जोड़ दो बाबा जी को। वाई गुड। चलो वेरी गुड बाय। चलो कर लो एक बार और कर लेता हूँ। नहीं मम्मी उन्हें ना लेना, अंदर अंदर ला लो मम्मी, मम्मी ला लो। कुंडी ला लो, खुल जाना है। Hey. 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. तो गाइस बस अभी नहा के निकली हूँ मैं, नहा के फ्री हुई थी और घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड दक्षु की छुट्टी होने वाली है स्कूल से, तो दक्षु के पापा को काम पे जाना था निकल गए थे, और आज दक्षु के नानू गए हैं
लेने। एक्चुअली दक्षु के पापा जाते हैं ना तो उसी साइड से जाते हैं, तो वो जाते जाते दक्षु को पिक करके फिर मेरे पापा को दक्षु के साथ रिक्शा में बिठा के घर भेज देंगे, क्योंकि पापा को भी अभी इधर का इतना रूट वगैरह पता नहीं है ना। सो एक दो बार आने जाने से सब पता चल जाएगा। सो फिर पापा कह रहे मैं भी घर पर बोर हो रहा हूँ, तो चलो दक्षु का स्कूल देख आऊँगा और थोड़ा बाहर रोड्स वगैरह का भी पता चल जाएगा, रूट वगैरह। सो दक्षु तो आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा कि आज नानू लेने आए हैं उसको। सो बस अभी गए हैं वो दोनों, मम्मी उधर बैठे हुए हैं, मम्मी सुबह ही नहा लेते हैं क्योंकि मम्मी को पाठ वगैरह करना होता, पूजा वगैरह करनी होती, इसीलिए मम्मी पापा सुबह सुबह उठ के ही नहा लेते हैं। नाश्ता वगैरह हो गया था और लंच करेंगे, बस अभी तैयारी करूँगी क्या खाना है क्या बनाना है। एंड दक्षु आएगा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, उसको पता नानू आएंगे तो चिज्जी मिलेगी मिलेगी डेफिनेटली। पूरा मैंने पापा को समझाया था, मैंने कहा जब दक्षु को मिलोगे रिक्शा से यहाँ पे उतरोगे यहाँ से उसको पूरी गलियाँ वगैरह पूछ लेना, क्योंकि गली वगैरह की ना नई जगह पे कंफ्यूजन हो जाती है हर किसी को। तो दक्षु को ना मैंने सारी चीज़ें बता रखी, जैसे मैं जाती हूँ दक्षु को स्कूल से लेने, तो जैसे हम रिक्शा से उतरते हैं मैं और दक्षु, तो दक्षु को ना मैं पूछती रहती हूँ दक्षु हमने किधर को जाना है। इवन मुझे पता होता है, मतलब मैं उसको ट्राई करती हूँ कि बच्चे को भी पता होनी चाहिए चीज़ें, कभी ना कभी काम आ जाती हैं। सो कभी ऐसा हो ना कि बच्चा खोए या कुछ, बट फिर भी चलो एक मतलब ऐसा होता है कि बच्चे को अपनी गली का पता होना चाहिए हमेशा। सो मैं दक्षु को पूछती रहती हूँ दक्षु अब किधर को जाना है, हमने किधर को जाना है, हमने दो गलियां हैं दो तीन गलियां हैं हमारे घर आने के लिए, तो उसको सारी मतलब रोड्स वगैरह सब याद है कि हमने किधर को जाना है। तो फिर मैंने पापा को बोल दिया था अगर गली नहीं समझ आए तो दक्षु आपको अपने आप ले आएगा, रिक्शा से उतरते ही घर तक पहुंचने की गली रास्ता घर सब बता देगा वो। तो बस और जितनी रास्ते में दुकानें दिखेंगी वो नानू को बोलेगा अब ये खाना है वो खाना है। नानू के पास उसका बस चलता है, मेरे पास तो चलता नहीं है, मैं तो उसको लिमिटेड चीज़ दिलाती हूँ, या फिर क्या होता है मेरे पास कैंडीज़ वगैरह पड़ी होती है तो मैं अपने पर्स में रख के ले जाती हूँ ताकि ये मुझे रास्ते में परेशान ना करे, फिर मैं उसको वहीं दे देती हूँ। तो जाते हुए तो दक्षु के पापा छोड़ ही देते हैं मुझे कभी कभी, और ऐसे ही आज पापा को भी उन्होंने स्कूल के लिए स्कूल तक छोड़ दिया था, दक्षु को लिया और इन दोनों को बिठा देंगे रिक्शा में और आएंगे। तो देखते हैं अब दक्षु का क्या रिएक्शन रहता है, बात करेगा भी या नहीं देखते हैं, कुछ पूछूंगी उसे ट्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो बस अभी उनके आने का वेट है नानू और दक्षु का, आती फिर खाना वाना खा के शाम का हमारा प्लान है तिलक नगर मार्केट जाने का। सो गुरुद्वारा साहिब जाएंगे और मार्केट जाएंगे, तो देखते हैं कैसे शेड्यूल बन पाता है। सो शायद एक ही जगह जाने का प्लान बने, अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे रश वगैरह कितना है। रैपिडो बुक करूंगी यहाँ से, क्योंकि दक्षु के पापा के पास तो टाइम नहीं था, वो तो चले गए थे ऑफिस, उनका काम था बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि EMI के दिन भी करीब आ रहे हैं इसीलिए काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर गाड़ी से चले जाते हम लोग सब। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं आप अपना काम ख़राब मत करो, आप अपने काम पे जाओ, हम अपना हो आएंगे। तो मैं अब रैपिडो बुक करूँगी शाम को, फिर देखते हैं 4-5 बजे करीब निकलेंगे यहाँ से, बहुत अच्छी मार्केट लगती है तिलक नगर, तो शूट करूँगी वहाँ का, सब दिखाऊँगी आप लोगों को भी, शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए देखते हैं अभी क्या प्लान्स बनते हैं, बस दक्षु आने ही वाला है अभी, सबसे पहले तो मुझे उसको देखने की एक्साइटमेंट हो रही है कि वो क्या बोलने वाला है, आज नानू गए हैं ना उसको लेने। चलिए गाइस फिर मिलती हूँ आपसे। पंगे बाज बच्चा, क्या कर रहे थे? नानू के साथ आए हो आज? हैं? पापा गए छोड़ के? हाँ। अच्छा हाँ। नानी को तो मिलो आके, नानी को तो मिलो जप्पी पाके। चीजी बस चीजी चाहिए, चीजी से मतलब है। आज नानू लेके आए हैं दक्षु को, वाह भाई वाह। कैंडी कैंडी। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइज शाम हो चुकी है, इवनिंग का टाइम है और मैंने रैपिडो ऑटो बुक किया और हम निकल गए हैं तिलक नगर मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मम्मी पापा को शॉपिंग करवानी है और मैं तो पहले एक दो बार गई हूँ उस मार्केट में, बट मम्मी को फर्स्ट टाइम लेके जा रही हूँ, मम्मी पापा फर्स्ट टाइम देखेंगे। एंड मम्मी को कुछ सूट्स वगैरह लेने थे, शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, सो जो पसंद आएगा ये ले लेंगे। और बस थोड़े थोड़े ग्लिम्स में आपको मार्केट के दिखा दूँगी और
दक्षु की यहाँ मस्ती चल रही है, उसको बहुत खुशी हो रही है कि नानू नानी के साथ मैं घूमने जा रहा हूँ। सो वैसे गाड़ी में जाने वाले थे हम, लेकिन दक्षु के पापा का काम की वजह से हम गाड़ी में नहीं जा पाए। सो इसीलिए फिर मैंने रैपिडो ऑटो बुक कर लिया था और अब भी आ गए हैं हम मार्केट में। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सूट हैं, कितने अच्छे अच्छे चीज़ें हैं यहाँ पे। सो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, सो आप लोग भी देखिए, एक्सप्लोर कीजिए इस मार्केट को। और चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद आपको। तो दोस्तों शॉपिंग हमारी हो चुकी है, अभी निकल गए हैं हम दोबारा से रैपिडो ऑटो बुक करके अपने घर के लिए। सो शॉपिंग मम्मी को जितनी करनी थी कर ली, ज़्यादा नहीं की, थोड़ी बहुत की है, मेन मेन चीज़ें ली हैं। और फिर दोबारा कभी आएंगे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है अभी, तो थोड़े ठंडे मौसम में बुलाऊँगी, फिर कहीं घूमने लेके जाऊँगी मम्मी पापा को। सो बस अभी दक्षु की यहाँ मस्ती चालू है। और चलिए दोस्तों फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर।